नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं, तो आज आपके सामने ज्योतिष का वो रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसकी वजह से पिछले लंबे समय से आप हर तरफ सुनते तो आ रहे हैं कि शनि महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएगा, शुक्र महाराज अब आपके जीवन में ये करने जा रहे हैं, बुध महाराज अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला देंगे, किंतु हकीकत में आपको ये कुछ देखने को नहीं मिला और परिणाम स्वरूप आपका मन यहीं पर आकर अटक गया कि ज्योतिष सत्य है ही नहीं। पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था, पिछले 15-16 महीनों से राहु महाराज आपके द्वादश भाव में विराजित हैं और ये जीवन में सक्सेस के ऊपर एक कुंडली लगाकर बैठे हैं। आज उसी स्थिति को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और अवस्था बता रहा हूं और आज हम चर्चा करेंगे केतु महाराज के राशि परिवर्तन की। जहां एक तरफ पिछले लंबे समय से आपका एक पैर पकड़कर खड़ा है राहु, वहीं दूसरी तरफ दूसरा पैर पकड़कर खड़े हो गए केतु महाराज और परिणाम स्वरूप आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में हम चाहे जितना आगे बढ़ने का प्रयास कर लें, किंतु यदि कोई हमारा पैर पकड़कर खड़ा है तो हम चाहकर भी आगे बढ़ नहीं सकते। मैंने आपको बताया था राहु महाराज के परिणाम, उसमें आपने बहुत स्नेह दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज की। मैं आपके वादे के अनुसार बिल्कुल बताऊंगा कि मीन राशि में राहु महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन देगा, किंतु उससे पहले जानना जरूरी है कि किस प्रकार आपके दोनों पैर छूटने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि केतु की वक्री चाल करेगी जीवन में बहुत बड़ा कमाल। उसका क्या कारण है? तो केतु महाराज आपके लिए पिछले 15-16 महीनों से षष्ठम भाव में बैठकर आपको कर्ज की स्थितियों में लिप्त कर चुके हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण चाहे स्वयं का चाहे स्वयं के परिवार से संबंधित निरंतर परेशानियां कृत अवस्था को क्रिएट कर रहे हैं। जॉब में ये भी आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं बनने दे रहे। बहुत से लोगों के पास लंबे समय से जॉब नहीं है, तो जिनके पास है वो हर दिन जॉब से संबंधित कुछ ना कुछ नया तनाव प्राप्त कर रहे हैं। पंचम दृष्टि से कर्म भाव में स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, हॉस्पिटलाइज खर्चे, फिजूल के खर्चे, सेविंग से संबंधित परेशानी और नवम दृष्टि से धन की स्थितियों को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। कुटुंब परिवार के सहयोग की स्थिति आपको प्राप्त नहीं होने दे रहे। वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगाड़ रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं कि बड़ी आसानी से हो जाएगा, उसमें भी आपको डिले देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति में एक पैर राहु महाराज ने पकड़ लिया, दूसरा केतु महाराज ने पकड़ लिया। अब जब दो पैर कोई व्यक्ति पकड़कर खड़ा है, तो चाहे जितने और अच्छे ग्रह राशि परिवर्तन कर ले, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किंतु 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही यहां से आपके दोनों पैर छूटेंगे, मेरा विश्वास मानिए, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना तय है। और बहुत बड़ा बदलाव का एक प्रमुख कारण केतु महाराज आपके जीवन में बनते हुए पाए जाएंगे। क्या क्या फल देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले तो जॉब में स्मूथनेस आएगी, क्योंकि अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं, 90% लोग जॉब ही करते हैं, 10% लोग व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में भी बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे, किंतु जॉब में स्मूथनेस आएगी। जिन लोगों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, उन्हें प्रमोशन की स्थितियां बनेगी। जिन लोगों के पास लंबे समय से जॉब है ही नहीं, उन्हें नई जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत से लोगों के पास कंटिन्यूसली जॉब की स्थिति नहीं बनी थी, 4-6 महीने करा फिर छूट गई, फिर कहीं पर ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर 4-6 महीने लग गए, फिर मिली और फिर 4 महीने बाद छूट गई, वो स्टेबिलिटी अब आपके साथ में बनकर आएगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन स्थिति में बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कोई कर्ज स्थिति का योग बना हुआ है, उसे कैसे समाप्त करें, ये रास्ते आपके लिए खुलेंगे। इसी के साथ में आपके लिए एक अच्छी अवस्था क्या बन रही है, यहां से दृष्टि देंगे कर्म भाव में, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए स्मूथनेस। जैसे ही आपके कर्म भाव से केतु महाराज की दृष्टि हटेगी, कर्म में जैसे बंधन युक्त योग आप अभी अनुभूति कर रहे हो, वो बंधन युक्त योग खुलता हुआ पाया जाएगा। फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे जो देखने को मिल रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा के अंदर जो आपको बार बार लग रहा था कि कहीं मैं सत्य होता हुआ भी गलत ना हो जाऊं,
वो स्थितियां अब आपके पक्ष में आएगी। और जीवन में सबसे प्रमुख स्थिति क्या होती है? धन की माया। धन की स्थिति आपके लिए पक्षकारी अवस्था को दर्शाती हुई पाई जाएगी। जो कुटुंब परिवार में रिश्तों में आपने अपयश का सामना किया, रिश्तों को खोया, रिश्तों में धोखा पाया, उन स्थितियों से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। जो लोग आपसे विपरीत हो गए थे वही अब आपके वापस पुनः से मित्रगण अवस्था का योग प्राप्त करेंगे। वाणी के चलते जो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे वो अब आपके फेवर में आएंगे। जो तनावग्रस्त अवस्था पिछले लंबे समय से आप लेकर चल रहे थे उससे भी मिलने जा रही है आपको मुक्ति। और मैंने पूर्व के कार्यक्रम में भी बताया था कि वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले जातक बहुत मौज मस्ती वाले होते हैं। ये स्वयं भी प्रसन्न रहना चाहते हैं और अपने से जुड़े लोगों को भी प्रसन्न रखते हैं। जो प्रसन्नता पिछले लंबे समय से आपने अपने जीवन में खोसी दी थी, आपको अपने व्यक्तित्व को भूलने पर मजबूर कर दिया था राहु और केतु ने, वो अब पुनः से आपको प्राप्त होने जा रही है। अद्भुत रूप से जीवन में आपके आएंगे अब बड़े बदलाव। अगले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा राहु महाराज के साथ ही कि केतु महाराज की स्थिति यहां पर किस प्रकार के फल देगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, आप भी सुनने के अंदर बोर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता छोटी छोटी किंतु ज्ञानवर्धक जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला दे वही जानकारी देने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।